तो जी वेलकम है आप सबका एक नए बढ़िया वाले ब्लॉग में। और आज की जो हमारी गाड़ी है, मतलब जिनको गुची का शौक है और जिनको मस्टैंग का शौक है और जिनको थोड़ा कलरफुल चीजों का शौक है, वो है, भाई चलती में उतरोगे भाई 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 ताली मारो। सो मीट हमारे ईशान भाई, इस मस्टैंग कार के ओनर। और ये गाड़ी ना कोई ऐसी वैसी भूखी है। हाँ, बहुत भूखी। अरे अरे अरे, इसकी प्यास कभी बुझ सकती है? आग उगलती है ना, आग उगलती है आग उगलती है भाई। आपको फ्लेम्स के शॉट ना मिलने वाले हैं आगे, मतलब ये जो आज वाली वीडियो होने वाली है ना, बहुत टाइम से लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई आपने मस्टैंग तो दिखाई थी लेकिन इन डेप्थ नहीं दिखाई थी। और इस मस्टैंग में उसके बाद कुछ चीजें भी चेंज हुई। मैं यही बोलने वाला था, इस मस्टैंग में इतनी लोडिंग्स है ना गाइस। पहले ही बता रहे हैं, एग्जॉस्ट के साउंड अगर नहीं आए ढंग से वो हमारी गलती नहीं है, वो फोन नहीं कैप्चर कर। मतलब मैं ना थोड़ी देर जब शूट कर रहे थे, मतलब पहले हमने एग्जॉस्ट वाला शूट किया था, मैं पीछे बैठा था, मेरे ना कान में ना सू, मतलब होता ना एकदम माइक फट जाता है कानों का भी, मेरे साथ वो हो गया भाई। और अभी भी हो रहा है अभी भी हो रहा है। मैं तो गाड़ी में बैठा था, मुझे भी पता। बट यार फील है इस गाड़ी की, क्या कहानी है भाई मस्टैंग के साथ? कैसे प्यार बढ़ा इस गाड़ी के साथ इतना? मैं बताता हूँ, मैं बचपन से देखो फास्ट एंड फ्यूरियस एक अलग है, दी अदर मूवी वॉज जॉन विक। फिर क्या था, एक पर्टिकुलर ये स्पोर्ट्स कार नहीं है। मेरे को स्पोर्ट्स कार का शौक ही नहीं है कभी भी। मसल कार का शौक है भाई को। ये मसल कार है। हाँ ठीक है, स्पोर्ट्स कार होती है ठीक है, स्पोर्ट्स कार भी अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, ये मसल कार है बिल्कुल। और इससे ज्यादा रगेड रॉ और पागल चीज चलाने का कुछ नहीं है सही में भाई। और मतलब तो, देखो मजा गाड़ी तो है लेकिन जो चलाने वाला होता है ना, जो एकदम गाइस आज थोड़ी ना एक्साइटमेंट ज्यादा हो रही है क्योंकि हम कब से आ रखे हैं यार, मतलब हम सुबह से हैं और हमारा कोई प्लान नहीं था शूट करने का। मैं कहा अब घर जा रहे हैं, पेट्रोल डलवाने जा रहे थे, मैं कहा पहले शूट कर लेते हैं हम एकदम ना। हाँ, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब क्योंकि आप लोगों को कंटेंट देना बहुत जरूरी है। और भैया ने तो बोला है, मैं तो दूंगा, तू नहीं दे, मैं तो दूं। तो हमारे भाई भी ना यूट्यूब करते हैं, ईशान सेठी नाम से भाई का YouTube और Insta अकाउंट। भैया ने ही खोला है, भैया ने ही सेटअप करा है, भैया ने नाम सजेस्ट करा है कि क्या डाला जाए। नहीं नहीं नहीं, और पहली वीडियो भी भैया के साथ है। बाकी भाई ये आपकी दूसरी मस्टैंग है ना? हाँ, ये दूसरी मस्टैंग। मतलब पहली मस्टैंग में ऐसी क्या दिक्कत आ गई थी भाई जो कोई दिक्कत नहीं आई थी? शिफ्ट करनी पड़ी, बचपना था बट वो गाड़ी जब सेल ऑफ हुई उसके बाद इतना रिग्रेट हुआ, उसके जस्ट नेक्स्ट डे भी मैं उसको खरीदने गया तो भी मेरे को नहीं मिली। और भाई वो वाली गाड़ी आपने न्यू ली थी? वो वाली न्यू ली थी। कितने की पड़ी थी? समवेयर अराउंड 75-80 लाख की शोरूम से। उसमें नंबर, उसमें 7000 था, इसमें दूसरा, इसमें 1000 नंबर है बस। भाई दिल को कुछ हुआ था जिस टाइम पे वो बिकी थी? भाई सच बता रहा हूँ, लगभग एक साल खाना पीना छोड़ दिया जब तक गाड़ी नहीं हुई थी, ऐसा हालत हो गई थी। और तुमने जब ये गाड़ी ली तब तक कंपनी गाड़ी बना रही थी, मतलब बंद हो गई थी या आ रही थी? जिस दिन मैंने गाड़ी सेल करी थी उसके एक हफ्ते के बाद शोरूम से गाड़ी आना ही बंद हो गई थी भाई। मतलब तुमने तो नुकसान अपना ही कर लिया यार। मैं सच बता रहा हूँ भैया, उस टाइम पे देखो जो गलती हो गई, अब उस चीज़ को काम करके कमा के चश्मा गया भाई। मतलब तुम अच्छा खासा वैसे मुनाफा भी कर सकते थे अगर एक हफ्ते बाद बेचते तो, क्योंकि इसका जो प्राइस हाइक हुआ था ना गाड़ी का, अभी देख। हाँ अभी अभी वैसे कितने की मिलती है भाई यूज्ड? यूज्ड समवेयर अराउंड 75-80 की मिलती है। मतलब जितने की न्यू आती थी उतने की अभी भी मिल रही है, और मेरी वाली का मेरे को 90-95 तक का ऑफर भी आ रखा है बट मैं नहीं। जो तुमने 70-75-80 की ली थी गाड़ी, वो गाड़ी आज इतनी महंगी हो चुकी है भाई। मस्टैंग में ऐसा क्या है जो इसको इतना खास बनाता है? एक लेगेसी है इसकी 1967 से, तो ये गाड़ी एक लेजेंडरी कार है। और पिछले वाली मस्टैंग को मिला के और इस वाली मस्टैंग को मिला के अब तक कितने किलोमीटर मस्टैंग में तुम क्लॉक कर चुके हो, दोनों को मिला लो? दोनों को मिला के ये 10,000 होने वाली है, वो 7-8,000 हो चुकी थी, तो 18-20,000 में चला। 18-20,000 चला ली भाई, मज़ा आता है पर्सनली खुद भाई। जितनी बार चलाते हो खुशी मिलती है? हर दिन एक अलग फन है, हर दिन इसको एक अलग स्टार्ट करके हर दिन एक अलग फन है। क्या बात है भाई, सच बता रहा हूँ ये गाड़ी में बंदा बोर नहीं हो सकता। सही में, सही में, सही में भाई। और भाई ने जो रैप करा रखे ना, ये रैप भी बहुत ज्यादा खास है यार, बहुत ही ज्यादा प्यारा इस गाड़ी को बना देता है। इस गाड़ी को कहते हैं वैसे गुची, क्या क्या हिस्ट्री है? जिस दिन ये रैप कम्प्लीट हुआ था उसी दिन सिद्धू मूसेवाला जी का गाना आया था, लेट सिद्धू मूसेवाला जी का गाना आया था सेलिब्रिटी कलर, जिसके अंदर एक लाइन थी गुची दानी गोले वाला सब दिखता है मित्राधिकार पे। अच्छा जी, ये पूरा गुची का ही सिस्टम हो गया, जबकि मेरे को कभी भी सांप और ये बी रखनी नहीं थी, मेरे को सिर्फ ये थीम चाहिए था स्नेक वाली थीम, बट
मैंने जिनसे भी बात करी, जो भी ये रैप के अंदर इन्वॉल्व थे, चाहे वो ड्राइविंग एड वाले कार्तिक भैया थे या एक एक कस्टम वाले थे, तो उन दोनों ने ये बोला कि नहीं भैया हमें डालना है, आप हमारी मान लो एक बार। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो जब उन्होंने डाला, नो डाउट आज भी ये गाड़ी स्टैंड आउट करती है और ये बना फनी है। सो गाइस कमेंट में जरूर बताना आपको गाड़ी का लुक कैसा लगा। एक बार आपको ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ गाड़ी का, मतलब फ्रंट से गाड़ी कुछ ऐसी लगती है, बीच में अपना मस्टैंग वाले स्ट्राइप्स आ जाते हैं, एलॉय व्हील्स इसके स्टॉक है। भाई इसमें आपने अपग्रेड क्या क्या करा हुआ है? गाड़ी के अपग्रेड की बात करते हैं, पहले हम आ जाते हैं सबसे पहले स्पॉइलर पे। हाँ भाई, ये शेल्बी GT 350 का स्पॉइलर है, ये उसी प्रॉपर डिजाइन प्लेटफॉर्म पे है। मैं नहीं बोलूँगा ये कोई कार्बन फाइबर स्पॉइलर है, ये नॉर्मल एक स्पॉइलर है, फाइबर स्पॉइलर। ठीक है भाई, इसकी कॉस्ट पड़ती है वैसे? इसकी कॉस्ट 12 से 15 हज़ार। आगे बढ़ने से पहले भाई एक छोटा सा मेरा सवाल, मस्टैंग को अफोर्ड करना ज़्यादा महंगा नहीं है मैंने सुना है, ऐसा है? अगर आप बात करो नॉर्मल मेंटेनेंस, जिसके अंदर आपके ब्रेक पैड्स नहीं आते, तो ये गाड़ी मेंटेन करने में कुछ भी नहीं है। इसका जो सर्विस कॉस्ट आती है वो आती है आपकी 18,000 से 30,000 के बीच। वाओ, और अभी फोर्ड जाने के बाद भी इसके सर्विस सेंटर इसकी सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है भाई, और एग्जॉस्ट पे आप आ रहे थे भाई? हमारा है बोला अटैक 3 जो डीकैट हुआ है। डीकैट होने की वजह से गाड़ी लाउड है। लाउड नहीं है भाई, हद से ज्यादा लाउड है। ये क्यों झूठ बोल रहे हो, वो आपकी बाइक खड़ी है ना, वो ज्यादा लाउड है। नहीं नहीं नहीं, उसकी तो आवाज ही नहीं आती। अगर आप बोलोगे तो मैं फिर डेसिबल मीटर निकाल दूंगा। एग्जॉस्ट की क्या कहानी है भाई, कौन सा ब्रांड है ये? बोला अटैक 3 बोरला। मस्टैंग में लोग बोरला बहुत ज्यादा लगवाते हैं ना। बोरला भी एक तरह से इस गाड़ी के लिए परफेक्टली बना है, जो इसके इंजन, इसकी आवाज और इसकी V8 की जो सिम्फनी है, मैं आवाज नहीं बोलूंगा, कोई साउंड नहीं बोलूंगा, एक सिम्फनी होती है। तो वो एक म्यूजिक है, कान के लिए अपने म्यूजिक है, तो वो म्यूजिक सिर्फ यही दे सकता है। जैसे कि कुछ गाड़ियों में JBL के स्पीकर है जी, हर्मन गार्डन के, बर्मेस्टर है, और भी कई हमारे आते हैं, तो उन वो पर्टिकुलर गाड़ियों के साथ जचते हैं, तो वैसे ही ये इसके साथ जचता है। ठीक है भाई, एग्जॉस्ट के साथ खुश हो भाई। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई। ने ये लाइट भी लगवा रखी है, ये लाइट चेंज है, और ये अभी और किसी और मस्टैंग में चेंज नहीं है। अगर मैं स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, सो जी कुछ ऐसा लुक आता है इसका। एक और चीज दिखा देता हूँ जो मैंने और किसी मस्टैंग में नहीं देखी। एक में मैंने सिर्फ उसका इतना देखा है, सिर्फ यहाँ तक का कलरिंग देखा था, यहाँ का कलर चेंज नहीं देखा था। ओ भाई साहब, ये कंट्रोल होता है ऐप से, ऐप अभी मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि मैं भाई के फोन से ही ब्लॉक कर रहा हूँ। हमारे ये जितने भी फ्रेंड, ये जितने भी ट्रिम्स वगैरह है, हमारा जो भी स्प्लिटर वगैरह है, ये सारे हमारे, हमने पियानो ब्लैक कराए हुए हैं। ठीक है भाई, क्योंकि जो नॉर्मल वाला आता है वो थोड़ा डस्टी और वाइट होने लग जाता है आफ्टर अ टाइम। ठीक है, इसकी जो हेडलाइट है वाइट है? हाँ, इसकी हेडलाइट वाइट है। तो जी अब दिखाते हैं आपको मस्टैंग अंदर से। डोर्स कुछ ऐसे हैं और बंदा ऐसा लगता है भाई गाड़ी के अंदर बैठा हुआ। गाड़ी के अंदर तो बैठा, घोड़ा उधर है। ठीक है जी, घोड़ा उधर है, इधर है। अच्छा, इधर भी मिल जाता है मस्टैंग का लोगो। भाई आपने ये भी चेंज करा, ये है हमारा फोर्स कार्बन फाइबर। ठीक है, ये कोई हाइड्रोडिप नहीं है, ये प्रॉपर शीट है जिसको एक प्रोसेस की तरह पेस्ट करा जाता है। फिनिश तो बहुत अच्छी है यार इसकी, एक बारी में ऐसा लग नहीं रहा कि कोई फिल्म है या कुछ यहाँ पे भी हो रखा है। नहीं, प्रॉपर शीट आती है, फाइबर की शीट आती है, तो ये उससे हुआ हुआ है। फिर अगर आप एक बार गौर फरमाएं मैट पे, ये मेरे एक भैया है, उन्होंने मेरे को गिफ्ट करा था, तो गाइस बड़े भाई की तरह गुची गुची का डिजाइन पैटर्न यहाँ भी मिलता है। ऑफ कोर्स ये आपको गाड़ी मिलती है ऑटोमेटिक, इसको आप मैन्युअली भी ऑपरेट कर सकते हो पैडल शिफ्ट के थ्रू, और पैडल शिफ्टर इस गाड़ी के मिलते हैं यहाँ पे। इस गाड़ी के कई ड्राइविंग मोड्स हैं, उसके लिए हम एक दिन ट्रैक पे थोड़ा बहुत करेंगे खुरदंग मचाएंगे। और गाइस सबसे पहले भाई आपका लगा लेता है बेल्ट, फिर एक और चीज बताएगा आपको। इस गाड़ी में बर्नआउट भी लगता है ना, लाइन लॉक फीचर, लाइन लॉक फीचर बोलते हैं उसमें, गाड़ी के आगे वाले टायर लॉक हो जाते हैं और गाड़ी पीछे वाले टायर जो है वो बर्नआउट मारते हैं। बहुत ज्यादा लाउड है यार ये कार।
ईशान भाई के पास एक थार भी है जो बहुत ही ज़्यादा लूटेड है, बहुत अच्छा अच्छा काम भाई ने करा रखा है उस गाड़ी में। थार को हम नॉर्मल तरीके से कवर नहीं करेंगे, उसको ऑफ रोडिंग में ही कवर करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। सो हमारे ना थार से रिलेटेड भी बहुत सारे प्लान्स हैं, इन फ्यूचर थार का रिव्यू पक्का पक्का आने वाला है। बाकी आपको आज की हमारी गाड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइट्स तो इसकी बहुत प्यारी हैं यार, मैंने ऐसी लाइट्स तो यार और किसी मस्टैंग में देखी नहीं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना इस प्यारे से चैनल को। मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, टिल देन रब रखा की बेल को जरूर आप दबा देना क्योंकि वरना आपको पता ही नहीं चलेगा वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए ना यार। बाय बाय।